हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे पतीले वाले छोले, स्ट्रीट फूड जो कुलचे के साथ खाए जाते हैं। कहीं भी मार्केट जाओ, हर गली में पतीले वाले छोले कुलचे वाले खड़े होते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, तो आजकल मार्केट बंद है, मैंने सोचा घर में बनाते हैं। पहले भी 2-3 बार बनाए, आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए 250 ग्राम हमने सफ़ेद चने लिए, इसको 6-7 घंटे पहले भिगो दिया था। थोड़ा सा नमक, 1 तेज़पत्ता, हींग और 2 आलू, इसको भी अच्छे से धो लिया है, और थोड़ा सा पानी कुकर में डाल दिए। अब थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और 1 तेज़पत्ता, 2 आलू ये भी डाल देंगे, इनको अच्छे से धो लिया है। और थोड़ा सा पानी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, आपने देखा होगा सूखे सूखे होते हैं। और थोड़ा सा हींग डाल देंगे और इसको हमने एक बिसल लगा के 15-20 मिनट सिम गैस पर पकाना है। छोले अच्छे से हमारे गलने चाहिए। छोले को हमने उबाल लिया, इसका प्रेशर निकलने दिया, उसके बाद इसको निकाल लिया। पानी बिल्कुल थोड़ा सा था, इसमें जितना पानी था उतना ही है। थोड़ा सा इसको मैश किया और आलू भी निकाल के छोटे छोटे काट लिए, छिलका उतार के। अब इसमें हमने डालने हैं टमाटर, प्याज, धनिया, अदरक और हरी मिर्च, ये सबको डाल देंगे और साथ में मसाले डालने हैं। जीरा पाउडर है, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा छोले मसाला, सब साथ में डाल देंगे। नमक हमने पहले से डाला हुआ था। 1 नींबू का रस डाल देंगे, नींबू की जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। अगर ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हो तो और अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हो। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारे कुलचे के साथ खाए जाने वाले छोले तैयार हैं बनके। अब इसको आप कुलचे के साथ खाओ या रोटी के साथ भी खा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।